नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले प्रवास की धाराओं की। और काफ़ी हद तक ये रिकॉर्डिंग पूरी हो चुकी थी, लेकिन कुछ कारणों से वो डिलीट होगी, इसलिए मैं आपको भेज नहीं पाया और तो दोबारा से रिकॉर्डिंग करनी पड़ रही है। तो जो हम बात करेंगे, एक छोटा सा टॉपिक है आपका प्रवास की धाराएं। अगर आपसे पूछते हैं तो आप इसका ज़रूर आंसर डाल सकते हैं। बस सिर्फ मैं नॉर्मल बात है कि भी जो प्रवास की जो धाराएँ थी, चार होती हैं। शायद मैंने आपको पहले भी बताया था कि लोग ग्रामीण से ग्रामीण, उसके बाद ग्रामीण से नगरीय क्षेत्र की ओर जाते हैं, फिर नगर से फिर नगर की ओर जाते हैं, बड़े नगरों की ओर, फिर वापस जो है नगर से ग्रामीण की ओर वो शिफ्ट हो जाते हैं। तो चार प्रकार की जो है आपको धाराएं देखने को मिलती हैं भाई। तो हम बात करते हैं कि जो है आंतरिक प्रवास और एक अंतर्राज्यीय प्रवास होता है, जो यहाँ पर नीचे की ओर जो तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं आप लोगों के लिए, जिसमें क्या कि भी आपको सभी को पता है आंतरिक प्रवास क्या है, एक देश के भीतर होता है, और अंतर्राष्ट्रीय प्रवास क्या होता है, एक देश से दूसरे देश के अंदर प्रवास होता है। ये आपको बातें याद भी होंगी। उसके बाद जैसे हमने बात की थी कि भी एक देश के अंदर जब प्रवास होता है उसको हम कहते हैं आंतरिक प्रवास कह सकते हैं। अब इनको क्या कि भी राज्य से दूसरे राज्य को होता है, अंतरराज्य हो सकता है, एक राज्य के अंदर भी प्रवास होता है जिलों के अकॉर्डिंग, तो अंतरराज्य होता है, ठीक है। तो ये विशेष प्रकार की चीज़ें हैं तो वो आपको देखने को मिलेंगे इसके अंदर। तो हम जो बात कर रहे हैं कि भी चार प्रकार का होता है, तो शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले ग्रामीण से ग्रामीण, फिर ग्रामीण से नगरी, नगरी से नगरी, और फिर नगरीय से ग्रामीण क्षेत्र की ओर होता है, ठीक है। देखो वैसे तो नॉर्मल आप सभी को पढ़ना, मतलब पढ़ेंगे तो भी आपको समझ में आ जाए, कोई इतनी ज़्यादा मुश्किल आपका कार्य नहीं, लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो चौथे प्रकार का प्रवास होता है, जैसे नगर से ग्रामीण की ओर, अब देखो एक पैटर्न होता है, हम जो है रोजगार के लिए या फिर क्या शिक्षा सुविधाओं को, ज़्यादा सुविधा मिलने के कारण क्या हम ग्रामीण क्षेत्र को छोड़ते हैं और नगरीय क्षेत्र के अंदर आते हैं। लेकिन ये जो प्रवास है नगर से ग्रामीण की ओर वापस होता है, शिफ्ट होता है, तो इसमें थोड़ा क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऐसा क्यों होता है। कि ऐसा जो है मोस्टली जो सबसे ज़्यादा जो होता है वो इसलिए होता है, इसमें क्या करते हैं बहुत सारे जो लोग हैं रोज़गार अपनी सर्विसेज देते हैं, जब वो नौकरी लग जाते हैं तो वो शहरों के अंदर शिफ्ट होते हैं, तो वहाँ पर जैसे ही उनकी नौकरी का जो समय होती है, एज पूरी हो जाती है, तो वो अपना अंतिम समय क्या है बिताने के लिए क्या वो ग्रामीण परिवेश में आना चाहते हैं, क्योंकि जो शहरों के अंदर इतनी भीड़ भाड़ होती है, इतना शोर शराबा होता है, तो उस चीज़ से बचने के लिए क्या वो एकांत स्थान ढूंढते हैं, और वो एकांत स्थान और अच्छा प्योर आपको एनवायरमेंट जो देखने को मिलता है, शुद्ध हवा जो देखने को मिलती है, तो इसी वजह से क्या है वो ग्रामीण परिवेश में वापस आ जाते हैं और वहाँ पर क्या करते हैं अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो इस वजह से आपको क्या है आप वहाँ पर विशेष तौर पर ये विशेषता देखने को मिलेगी। अब जैसे जैसे ग्रामीण है, ग्रामीण से यदि आप ग्रामीण की ओर प्रवास करते हैं तो मुख्य रूप से क्या रोज़गार, और इसमें महिलाओं की संख्या ज़्यादा देखने को मिलेगी, उसमें कारण क्या कि भी उनकी शादी हो जाती है और शादी होने के बाद क्या है उनको अपना स्थान छोड़कर जाना पड़ता भी है। इसके अंदर और बातें मिलेंगी आपको, पढ़ते हैं कि 2001 के दौरान पिछले निवास के आधार पर हमारे यहाँ पर 31.5 करोड़ जो प्रवासी रहे, जिसमें से हम कह सकते हैं लगभग 10 करोड़ जो है जो लोगों ने अपना जो निवास स्थान बदल लिया, इसमें से जो है लगभग 8 करोड़ लोग थे उन्होंने एक राज्य से दूसरे राज्य में क्या कर लिया प्रवास कर लिया भी। इस धारा में जो स्त्री प्रवास सबसे प्रमुख रहा है और इसमें अधिकांश विवाह उपरांत प्रवासी रहे, कि भी सबसे बड़ा जो कारण रहा है इन प्रवासियों में वो रहा है कि भी जो महिलाएँ थीं उनकी शादी होगी, हमारा समाज कहता है कि भी जैसे ऐसे शादी हो जाएगी उसके बाद आपको अपना घर छोड़कर अपने पति के साथ जाना होता, तो उसमें क्या बहुत बड़ी मात्रा में ही कारण था भाई। दूसरा है अंतर्राज्यीय और अंतर्राज्यीय प्रवास की विभिन्न धाराओं में स्त्री पुरुष के वितरण को चित्र नंबर 2.1, 2.1 और 2.6 के अंदर दिखाया गया। ये जो दिखाए गए ना आपको अंतर्राज्यीय और अंतरराज्यीय, यानी कि राज्य के अंदर भी और राज्य के बाहर के प्रवास को भी दिखाया गया अभी, और जैसे आपको दिखाई देगा देखना चाहेंगे तो जैसे पुरुष हैं फिर ये नीचे कलर दिखाई गए अलग से स्त्रियों का, ये पुरुष का ही दिखाने का प्रयत्न किया गया। इस बात का स्पष्ट साक्ष्य है कि दोनों प्रकार के प्रवासों में थोड़ी दूरी के लिए ग्रामीण से ग्रामीण प्रवास की धाराओं में स्त्रियों की संख्या सर्वाधिक है। मैं आपको बता चुका हूँ इसका सबसे बड़ा कारण, इसके विपरीत आर्थिक कारणों की वजह से अंतर्राज्यीय प्रवास ग्राम से नगर में पुरुष सर्वाधिक रहता है। जबकि क्या है कि भाई ये स्पेशल क्या है कि भाई हमारे लिए क्या है कि भाई वो एक सामाजिक कारण के रूप में आप कह सकते हैं वो माइग्रेशन हुआ। यदि वो आर्थिक कारण की वजह से क्या हुआ प्रवास हुआ, तो उसमें सबसे बड़ा जो कारण है पुरुषों की जो संख्या आपको देखने को मिलेगी भाई। आंतरिक प्रवास की इन धाराओं के अतिरिक्त भारत में पड़ोसी देशों से आप प्रवास और उन देशों की ओर भारत से उत्प्रवास भी हुआ है।
पड़ोसी देशों में प्रवासियों का ब्यौरा प्रस्तुत किया गया है। इसमें क्या है कि भारत में 50 लाख से भी ज़्यादा व्यक्तियों का प्रवास हुआ है। इसमें 96% पड़ोसी में हमारे जो पड़ोसी देश हैं बिल्कुल लगते हुए उनकी जो संख्या आपको देखने को मिलेगी। जहाँ तक भारत से उत्प्रवास का प्रश्न है, ऐसा अनुमान है कि भारतीय डायस्पोरा के लगभग 2 करोड़ लोग हैं जो 110 देशों में फैले हुए भी। अब दो चीज़ें हैं कि भी हम केवल हमारे हमने आंतरिक प्रवास के बारे में बात की, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ आंतरिक प्रवास है, हम अपने जो है अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के लिए भी हम बात कर सकते हैं, जिसमें बहुत सारी जो जनसंख्या हमारी यहाँ से क्या है माइग्रेट होकर क्या दूसरी कंट्रीज़ में चली गई है, और अलग दूसरी कंट्री से भी जो लोग हमारे देश के अंदर आए हैं। यदि हमारे भारत के देश के अंदर हम आने की बात करते हैं तो लगभग 95-96% जो यहाँ पर हमारा आंकड़ा है ये, इसमें जो हमारे आसपास के जो पड़ोसी देश हैं तो उनका परसेंटेज है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो जैसे हमारे पास है पाकिस्तान, अफगानिस्तान है, नेपाल है, बांग्लादेश है, श्रीलंका, तिब्बत है, तो ये कंट्रीज़ है हमारे आसपास, तो ये सबसे ज़्यादा जो है लोग यहाँ पर आए हुए हैं, यहाँ से आए हुए हमारे भारत के अंदर। और बहुत सारी जो कंट्रीज़ ऐसी भी हैं जो हमारे यहाँ से जो लोग गए हैं बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर वो फैले हुए हैं, पूरे विश्व के अंदर हम ये बात मानते हैं कि वो हमारे देश के लोग हैं फैले हुए हैं, तो उनको क्या भारतीय डायस्पोरा के नाम से जाना जाता है। अभी आपको ये डेफिनेशन पूछ सकते हैं भाई भारतीय डायस्पोरा क्या होता है, कि भाई आप ये कह समझ सकते हैं कि भाई वो जो लोग थे पहले हमारी हमारे देश की टेरिटरी के अंदर रहते थे, लेकिन आज वो क्या माइग्रेटेड होकर कहीं दूसरे स्थान पर चले गए हैं, दूसरे देश में चले गए हैं, और आज उन सभी लोगों के लिए जो भारतीय का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो उन सभी लोगों को वहाँ पर आज भारतीय डायस्पोरा के नाम से जाना जाता है। हालांकि हैं तो वो दूसरे देशों में रह रहे हैं लेकिन वो भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उनको इंडियन डायस्पोरा के नाम से जाना जाता है भाई। उसके बाद है हमारे यहाँ पर स्थानिक विभिन्नताओं की बात करते हैं, कि भी जो प्रवास है ये आपको ज़रूर देखना है, ज्योग्राफी आपको यही सिखाएगी भी हमारे यहाँ पर विभिन्नता है स्थान के संदर्भ में रहती है। जैसे महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात और हरियाणा जैसे राज्य, उत्तर प्रदेश, बिहार इत्यादि जैसे अन्य राज्यों में प्रवासियों को आकर्षित करते हैं, कि भी हमारे यहाँ पर बिहार और उत्तर प्रदेश, क्योंकि हम जानते हैं कि भी ये बहुत बड़ा एरिया है जहाँ पर जनसंख्या है, डेंसिटी की बात करते हैं और जनसंख्या की, और सबसे ज़्यादा डेंसिटी बिहार के अंदर, और जनसंख्या की यदि हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश, तो बहुत ज़्यादा जनसंख्या आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, तो वो रोज़गार की तलाश में हमारे महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात और हरियाणा के अंदर आते हैं, जैसे अन्य राज्यों से क्या अपनी ओर आकर्षित करते हैं। 23 लाख पर आप्रवासियों के साथ महाराष्ट्र का सूची में प्रथम स्थान आता है। मार्क कर लीजिए, आपका एक नंबर है क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा जो आप्रवासी लोग किस राज्य में आते हैं, तो गुजरात में सबसे ज़्यादा प्रवासी लोग आते हैं, इसके बाद दिल्ली में आते हैं, फिर गुजरात और हरियाणा में आते हैं। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश और बिहार वे राज्य जहाँ से प्रवासियों की संख्या सर्वाधिक है। 2% है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा जो लोग आते हैं हमारे राज्य के अंदर तो वो महाराष्ट्र के अंदर आते हैं, ये आपने क्वेश्चन याद करना, और जाते कहाँ से हैं आपके उत्तर प्रदेश से, बड़ी संख्या में जो प्रवासी क्या है दूसरी स्टेट्स के अंदर जाते हैं। नगरी समूहों में विरुद्ध मुंबई में सर्वाधिक संख्या में जो है लोग प्रवासी आते हैं, इसमें अंतःराज्यीय प्रवास का भाग सर्वाधिक होती है, यह अंतः मुख्य रूप से राज्य के आकार के कारण है जिसमें नगरीय समूह स्थित रहते हैं। इसके लिए क्या है नगरीय समूह बोला जाता है, कि जिसमें क्या कि आसपास के क्षेत्र में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो बहुत बड़ी मात्रा में क्या कि नगर हैं वो आसपास में बसे हुए हैं और एक अलग से विशेषता क्रिएट होती है, तो वहाँ पर जो है मुंबई जो स्थान है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लोग वहाँ पर आते हैं। कई कारण हैं, रोज़गार के तलाश के अंदर फिल्मी नगरी है और अन्य प्रकार के जो उद्योग वहाँ पर लगाए गए हैं, एक पोर्ट सिटी भी है, तो इसी वजह से लोग हैं यहाँ पर आते हैं भाई। तो इसमें क्या कि भी उनके खुद राज्य है जो महाराष्ट्र, तो उनके सबसे ज़्यादा मतलब कहते हैं कि भाई उनका भी आंकड़ा बहुत ज़्यादा होता है, कि भी जो प्रवासी जो लोग हैं काफ़ी हद तक मुंबई के अंदर वो शिफ्ट होते चले जा रहे हैं। तो इसका कारण क्या कि भी एक तो क्यों हमारा जो महाराष्ट्र है काफ़ी बड़ा हमारा जो ये राज्य है, जिसकी वजह से बड़ा राज्य होने की वजह से जनसंख्या वहाँ पर आपको ज़्यादा देखने को मिल रही है, तो इसके साथ साथ तो वो जो लोग हैं रोज़गार की तलाश में मुंबई की ओर भी शिफ्ट होते चले जा रहे हैं भाई। कुछ और टेबल वगैरह दिखाने का प्रयत्न किया गया अभी, आप्रवासियों की संख्या और परसेंटेज दिखाया गया अभी, ये बस वही इतना ही है आज के लिए, उसके बाद कारण आएंगे। एक क्वेश्चन है हमारी बुक में, ये दो नंबर के क्वेश्चन है, 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन आपका इसमें से ज़रूर आएगा, इसके बारे में कल बात करेंगे हम।